नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों आज इस क्लास में सेमेस्टर टू हिस्ट्री जिसका जेएनयू पेपर या जनरल उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला प्रश्न आपका जो इंपॉर्टेंट प्रश्न इल्तुतमिश की उपलब्धियों का वर्णन करें। दूसरा आपका जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है बलवन के राजस्व सिद्धांतों पर प्रकाश डालें। आपका तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, टोटल आपको हम 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताने वाले, इनमें से कुछ प्रश्न आने की संभावना है, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 3 आपका अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व नीति का वर्णन करें। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नीति के बारे में समझाइए। बाजार नीति एक आना है राजस्व नीति। क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक आना का यहाँ तय है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका फिरोज तुगलक के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन करें। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 6 है दिल्ली संतलत के केंद्रीय शासन का वर्णन करें। तो दिल्ली संतलत से एक क्वेश्चन आने का प्रश्न बनता है और इसका पतन के क्या कारण है, दो प्रश्न में से एक यहां आना तय है। क्वेश्चन नंबर 7 है दिल्ली संतलत के पतन के क्या कारण है। क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपका शॉर्ट टाइम में आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न में। पिछले बार देखा तो जाए तो सूफी आंदोलन के बारे में पूछ लिया गया था, तो इस बार भक्ति आंदोलन का कहीं ना कहीं चांस बन रहा है, तो इसलिए मैं उम्मीद करता आप दोनों पढ़ लेंगे तो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 9 मोहम्मद तुगलक के चरित्र एवं नीतियों का विवरण दें। और आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एक चरित्र से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रश्न और इसकी उपलब्धियों से। क्वेश्चन नंबर 9 मोहम्मद तुगलक या कुतुबुद्दीन ऐबक के चरित्र में उपलब्धियों, यहाँ से दो प्रश्न में से एक को आना तय है। और आंदोलन से देखा जाए तो भक्ति आंदोलन या सूफी आंदोलन के संप्रदाय, यहाँ एक प्रश्न बनता है। और अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार देखा जाए तो दिल्ली संतलत के पतन या इसके केंद्रीय शासन, तो दो में से एक यहाँ भी आपका आना तय है। तो चलिए कुछ हम सिलेबस का भी बात कर लेते हैं। आपको सिलेबस क्या है देख सकते हैं, ये है आप लोग का सिलेबस सेकेंड सेमेस्टर, आपको पढ़ना है हिस्ट्री जी पेपर या जनरल जिसका भी है, दिल्ली संतलत पढ़ना पीरियड 1206 से 1526 तक है, जिनमें से आपको पहला यूनिट 1 आपको पढ़ना है हिस्टोग्राफी एंड रिसेंट डेबिट्स और इस्टाब्लिश्ड अब तुर्की रूल इंडिया, और जिनमें से आपको पढ़ना है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, बलबन थ्योरी के बारे में, ये सब पढ़ना है। और अलाउद्दीन खिलजी है इसके व्यापार नीति जो भी प्रशासनिक नीति है, तो देख सकते हैं ये रहा आप लोग का सिलेबस, जिनमें से सिकंदर लोधी के बारे में जानना है, मंगोल आंदोलन के बारे में, जो भी ये सब देख सकते हैं आप लोग। यूनिट 7 भी है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सुल्तान यानी कि दिल्ली संतलत का प्रशासनिक व्यवस्था, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, और सूफी के बारे में को जानना है, तो ये सभी विजयनगर एंड बहमनिस किंगडम। तो आपके सिलेबस के अनुसार देखा जाए तो आपको टोटल 8 यूनिट पढ़ना है। तो इन्हीं में से कुछ सिलेक्टेड प्रश्न हैं जिनमें से अगर देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।